देन गाइज आप लोगों इंस्टाग्राम पर इस टाइप की वीडियो देख रहे होगे, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा हो और आई होप आप लोगों को ये वीडियो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो चलते हैं स्क्रीन पर। आप लोगों को सबसे पहले VN एप्लीकेशन खोल लेना है। आप लोगों के पास VN एप्लीकेशन ना हो तो आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मुझे एक टेलीग्राम में आके कमेंट्स कर देना, मैं आप लोगों को VN एप्लीकेशन दे दूंगा। अब सिंपल से आप लोगों को अपना फोटो इसमें ऐड कर लेना है और यहाँ पर एक ओरिजिनल का ऑप्शन होगा, ठीक है, तो ओरिजिनल पर क्लिक करके 9860 कर लेना, ठीक है। अपनी फ़ोटो से भी आप लोग इस टाइप की रील्स बना सकते हो, ठीक है। सिंपल से यह 3 सेकंड का वीडियो होगा, आप लोगों को इसकी लेंथ को जो है वो बढ़ा लेना, तो आप लोग 10 सेकंड की बना लेना, ठीक गाइस। आप लोग 10 सेकंड की जो वीडियो बना रहे हो वो ध्यान में रखे रहना कि मैंने 10 सेकंड की बनाई है। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को मतलब फ़ोटो है उसको ब्लर करना है। तो ब्लर में जाएंगे और यहाँ पर हम बेसिक में जाएंगे और बेसिक में जाने के बाद इसको 30 है तो 20 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैं 20 कर दिया और इसको कट कर देंगे, ठीक है। 20 करने के बाद ये देखो थोड़ा ब्लर हो चुका है। ब्लर होने के बाद यहाँ पर हम लोगों को एक ऑप्शन पर क्या करना है कि ये पिप वाले पर क्लिक करना है, ठीक है। पिप पर क्लिक करना एंड वीडियो में जाना है। एंड वीडियो में जाने के बाद ये वाला हरा वाला जो है ये मैं आप लोगों को दे दूँगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसको पूरा फिल करना है वीडियो में। तो यहाँ पर नीचे साइड एक ऑप्शन मिलता है फिल का, ठीक है। फिल मैंने तब पूरा एरिया में कवर करना, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो कवर हो गया, ठीक है। अब हम इसके हरे कलर को जो है वो हटाएंगे। तो यहाँ पर एक क्रोमा का ऑप्शन मिलता है, तो पहले आप लोग इस वीडियो को क्लिक कर लेना, ठीक है। क्रोमा में जाना। क्रोमा में जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि ये देखो हरे कलर को च्वाइस करना। च्वाइस करने के बाद यस कर देना, ठीक है। यस करोगे तो आप लोगों को हरा कलर था जो वो हट जाएगा। इतना होने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि बीच में नीला नीला आएगा, बट उसको छोड़ देना, आप कुछ नहीं करना है। फिर से पिप पर क्लिक करना है एंड आप लोगों को इस टाइप का जो वीडियो होगा ये भी दे दूंगा, ठीक है। ये देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें फिल करना है, ठीक है, पूरे वीडियो में। तो फिल पर क्लिक करेंगे और इसको जो ब्लैकन दिखाई दे रहा है उसको मैं हटाऊँगा। तो यहाँ पर हम लोग ब्लेंडिंग में चले जाएंगे, तो उसी वीडियो को सेलेक्ट करना, ब्लेंडिंग में जाना और यहाँ पर लाइट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो लाइट, ठीक है, लाइट इनका मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना। तो ये देखो आप लोगों का किस टाइप से दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को फिर से उसी पर क्लिक करना और यहाँ पे एक लिरिक्स की वीडियो ऐड कर लेनी है, ठीक है, जो कि सॉन्ग की होगी, जिसमें आप लोगों को टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। आप लोगों को यूट्यूब पर इस टाइप की बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। यूज करना वगैरह नहीं आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को वहाँ पे एक वीडियो दे दूंगा जहाँ से आप लोग किस टाइप से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी मटेरियल वगैरह होगा वो मैं लिंक जो होगा वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से यूज कर लेना, ठीक, मटेरियल, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये मेरा जो आगे का पार्ट है वो थोड़ा सा बेकार है, तो मैं उसको कट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो नीचे साइड कट का ऑप्शन आता है, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे साइड कट का ऑप्शन आता है, वहाँ से काट पीट लेना, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को लास्ट में थोड़ा सा कम हो गया है सॉन्ग, तो मैं उसको ज़्यादा कर देता हूँ। एंड इतना करने के बाद आप लोगों को देख सकते हो तो ये हो चुका है। अब इसको मैं सॉन्ग जो है वो नीचे लेके आऊँगा, ठीक। ये देखो यहाँ पर मैं लगाऊंगा, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद फिर से मैं इसको ब्लैकन है तो मैं इसको ब्लेंडिंग करूँगा, ब्लेंडिंग में जाऊँगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से यहाँ पर करते हैं ब्लेंडिंग लाइट एंड यहाँ पर यस, ओके, ब्लेंडिंग लाइट और यस कर दूंगा। यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा हो चुका है कम्प्लीट, और यहाँ पर ध्यान से आप लोग देख लो ये हो गया, लिरिक्स मेरा लिख के आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर हो चुका सारा चीज़ काम, आप लोगों को अब यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना है। तो ध्यान से इसको एक्सपोर्ट कर लेना। अभी एक्सपोर्ट करने के बाद अपना अगला काम क्या करना है कि एक्सपोर्ट होने के बाद आप लोगों को ध्यान से इसमें करना, एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर एक्सपोर्ट होने के बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना, ठीक है। अब इसका अगला काम क्या करना है आप लोगों को, तो दोबारा से आप लोग एक्सपोर्ट हो जाएगा तो इसे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना, ठीक है। एंड वही फ़ोटो आप लोगों को यहाँ पर ऐड करनी है जो फ़ोटो आप लोगों ने बनाई है। तो फ़ोटो ऐड किया, ओरिजिनल पर गया, 9860 किया, ठीक है। और आप लोगों को अब ध्यान से क्या करना है, कितने सेकंड की वीडियो बनाया था आपने, 10 सेकंड की है, तो 10 सेकंड में कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 10 सेकंड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक काम करना है कि 10 सेकंड यहाँ पर ध्यान से आप लोग कर लेना जितने सेकंड की आप लोगों ने वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 10 सेकंड कर लेता हूँ एकदम आराम से, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारी एडिटिंग में। जितना स्मूथ और जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा हम लोगों का रिस्पांस आएगा ऑडियंस के तरफ से। तो यहाँ पर पिप पर क्लिक करना और जो आप लोगों ने वीडियो एक्सपोर्ट की थी, वीडियो, ठीक है, एक्सपोर्ट की थी, वो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर फिल एरिया कर देना है। तो हम लोग फिल कर देंगे, तो ये देखो फिल कर देते हैं। यहाँ पर कहाँ गया ऑप्शन गाइस, एंड यहाँ पर एक फिल का ऑप्शन, ओके, ये ठीक है, फिल किया, ये देखो पूरे ऑप्शन में आ गया है। एंड आने के बाद हम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, ये देखो नीला नीला एक ऑप्शन है बीच में,
तो नीला नीला है, तो मैं क्या करूँगा कि नीले वाले को हम लोग क्रोमा से हटाएंगे, क्रोमा पर क्लिक करेंगे एंड नीले वाले पर टैप करेंगे और यहाँ पर यस कर देंगे। ठीक है, हम मैं बता दूँ कि यहाँ पर देखो मैंने कुछ छिड़कानी की है, बट आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, किसी भी डॉट पर क्लिक नहीं करना है, किसी भी सेंसिटिविटी पर आप लोगों को कम ज़्यादा नहीं करना है। बस आप लोगों का एरो है वो जो बीच वाला जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, उसको नीले कलर पर ले जाना है और यस कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोगों को देख सकते हैं ये इस टाइप का कुछ आ जाएगा। तो मेरा जो फ़ोटो था वो मैंने क्या किया था कि भाई जो फ़ोटो था मैंने ऊपर से लगाया था, तो उसी बीच का एरो बीच वाला ऑप्शन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि नीचे वाले पर टाइप करके फ़ोटो को थोड़ा नीचे करूँगा, अब शकल यहाँ पर दिखने लगा है। अब देख सकते हो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको नीचे किया तो शकल दिखने लगा। आप लोगों का भी ऐसे प्रॉब्लम आए तो आप लोग उसको नीचे करना, ठीक है, नीचे करोगे तो ये देखो इस टाइप से आप लोगों का फ़ोटो भी दिखने लगा बीचों बीच में, और आप लोग देख सकते हो किस टाइप से एडिटिंग हो चुकी है। और ये एडिटिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो तो गाइस एक लाइक करके मुझे बता देना, ठीक है, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने लाइक किया है तो वीडियो आप लोगों को पूरी समझ आई है। ठीक है, और ये इसी टाइप की ट्रेंडिंग टॉपिक पर आप लोग वीडियो बनाना चाहते हो, मतलब चाहते हो कि कैसे हम बना सकें, तो गाइस मुझे बता दिया करो कि भाई ये ट्रेंडिंग में चल रहा है इंस्टाग्राम पर और इस टॉपिक पर वीडियो लेके आओ, तो मैं आई होप आप लोगों को वीडियो लाऊं। ठीक है, चलो गाइस चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।